जहानाबाद के मखदुमपुर स्थित वानावर के तलहट्टी में वानावर महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का किया उद्घाटन। जहानाबाद विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, डीएम, एसपीपी थे मौजूद। प्रख्यात गायिका कल्पना पटवारी, बंकिम वर्मा सहित अन्य कलाकारों ने बिखेरे जलवे। एक से बढ़कर एक गीतों से मंत्रमुग्ध थे दर्शक। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, वानावर को पर्यटक स्थल के रूप में विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत। जहानाबाद के परिसदन में पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मुद्दों पर की बात, कहा वानावर में 12 करोड़ की लागत से रोपवे का काम प्रस्तावित। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, कल तक जुमला पार्टी कहने वाले आज भाजपा के साथ, नहीं बुलाया था किसी ने, खुद आए बीजेपी के साथ। जहानाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह का किया भव्य स्वागत। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। राहुल गांधी फरवरी माह में पटना के गांधी मैदान में करेंगे बड़ी रैली। जहानाबाद के बरबट्टा हाजीपुर के समीप कार पलटी, खालिसपुर पंचायत के मुखिया का बेटा हुआ घायल, सदर अस्पताल में हुआ इलाज। तेज रफ्तार बना दुर्घटना की वजह। और HDFC बैंक कार्यालय में लगाया गया रक्तदान शिविर। शिविर के माध्यम से दर्जनों लोगों ने किया रक्तदान। रक्तदाताओं ने कहा, रक्तदान है जीवनदान।